क्या हालचाल है दोस्तों, वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स आ चुके हैं हमारे पास। एप्पल वालों को लग रहा है कीबोर्ड अगर आप आईपैड में लगा दो तो मस्त कंप्यूटर बन जाता है वो। ये वाला एकदम नया वाला आईपैड है और इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स हैं, बट जो कीबोर्ड नया वाला है इसमें काफी तगड़े चेंजेस हैं, प्राइस में भी काफी तगड़े चेंजेस हैं। बट मैं पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ दोनों को यूज करने के लिए। चलो अनबॉक्सिंग अभी करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं एक दो दिन, फिर आप लोगों को बड़े से दिखाएंगे। कोशिश करी थी वैसे मैंने सिनेमैटिक बनाने की, बट हो नहीं पाएगा हमसे। ये वाला इसका कीबोर्ड है, इसके बारे में भी आजकल भाई काफी चर्चा चल रही है और काफी लोग सरप्राइज हैं देख के भाई कि कैसे लेविटेट सा कर रहा है। काफी भारी है इसके अंदर। अच्छा पुस्तकें भी दे रखी है ना इसके अंदर। ये मेरे पास जो वेरियंट है ये 1 TB वाला वाईफाई प्लस सेलर है, उस पर MRP 1,48,000 लिखी हुई है। काफी प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं ये तो बात है। ये वाला जो स्टैंडर्ड सा एप्पल का चार्जर है वो आता है और USB-C to USB-C केबल स्टिकर का दे रखे हैं। नॉर्मल लैपटॉप और नकली एप्पल वाला बनाना हो तो ये वाली आईपैड की है। तो दोस्तों ये है एप्पल के आईपैड का कवर और ये है 27,000 का। वेरी नाइस। ये ऑफिशियली जो सबसे महंगी एक्सेसरी होती है ना, जो मैंने एटलीस्ट यूज करी है वो है। और मेरे को पता है आप लोगों के दिमाग क्या चल, ऐसा क्या डाल दिया इसके अंदर कि थोड़ा ज्यादा ही महंगा हो गया है। सबसे पहली चीज तो ये काफी एक स्टर्डी मैग्नेटिक सेटअप है और ये इतना ज्यादा पावरफुल है इसके मैग्नेट की आई करवा ली थोड़ी सी बेइज्जती। वो एक्चुअली मेरे से छूट गया था, बट जैसे आप अगर अटैच करोगे ना तो ये लेविटेट करता है। ये पूरा सेटअप एक लेविटेटिंग सेटअप है और उसके नीचे कुछ ऐसा खाली सा रहता है और आप इस स्क्रीन को ना टिल्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे से लॉक हो जाता है और पूरा इस एंड तक कर सकते हो। इसको क्लोज कर दोगे तो काफी मोटा सा भारी सा हो जाता है। खाली मैग्नेट डालने के 27,000 रुपए नहीं लिए। ये वाला जो कीबोर्ड भी है ना, ये एक बैकलेट कीबोर्ड है। इसकी जो कीज है वो काफी हाई क्वालिटी कीज है और जो मैकबुक आता है उससे काफी ज्यादा सिमिलर कीज है। ये मेरा ट्राई करा पहला कीबोर्ड है इसमें ऑटो ब्राइटनेस हो और ये आईपैड के सेंसर्स को यूज करके इसकी ब्राइटनेस चेंज करता था, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लगी मेरे को। इसका जो ट्रैक पैड भी है थोड़ा छोटा है, बट ये काफी इंटरेस्टिंग तरीके से काम करता है। जैसे ये एक एरो की तरह नहीं है, जैसे छोटे से बुलबुले की तरह जिसके ऊपर लेके जाओगे उसके ऊपर ऐसा बड़ा सा हो जाता है। काफी आसान बना देता है चीजों को करना। और एक USB-C का पोर्ट भी, इससे आप लैपटॉप को डायरेक्ट चार्ज कर सकते हो। लैपटॉप बोल दे, आईपैड की बात कर रहा है भी काफी हद तक एक पूरा मेटालिक जुड़ाव उड़ाव भी है, काफी ऐसे सॉलिड से लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा हल्के वाले। ये जो केस है ये आईपैड से ज्यादा भारी है और इसमें काफी सही सही चीजें हैं, बट मेरे को ये कुछ खास पसंद नहीं है। वो मैं आईपैड के बारे में पूरा बताऊं तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये अगर आप लोगों ने नोटिस करो तो नए आईफोन वाले कैमरे हैं भाई, ऑनेस्टली एकदम काफी हल्का सा लग रहा है पकड़ने में। एक बार इसको अच्छे से ट्राई करता हूं मैं और थोड़ा बहुत टेस्टिंग इसके करते हैं, फिर आप लोगों को मस्त इन डेप्थ आगे वापस बताएंगे। इसमें जितना भी वेट है ना वो सारा आईपैड का है, उसकी वजह से लगता है लुढ़क ना जाए बेचारा, तो इसलिए हमको थोड़ा से दोनों हाथ से सॉलिडली पकड़ना पड़ता है। ऑल्दो काफी हैवी बेस है और वेट मैनेजमेंट काफी अच्छा है, मतलब अगर आप सीधा रखोगे तो गिरेगा नहीं, तब भी हल्का सा डर मेरे को लगता है कि ऐसे पीछे गिर सकता है। लैपटॉप में एक और चीज होती है कि मतलब लिड ऐसे पतली सी होती है, आप ऐसे उसको आराम से एक उंगली से भी खोल सकते हो एक हाथ से भी, बट इसमें ऐसा नहीं है कि आराम से एक बार में ऐसे खुल जाता है, आपको पूरा निशाना निशाना लगा के अच्छे से फिर खोलना पड़ता है। और अगर मोटाई की बात भी करें तो मेरे लैपटॉप से जो मैकबुक प्रो है इससे ज्यादा मोटा हो जाता है, और अगर एयर से कंपेयर करूं तो और भी ज्यादा मोटा हो जाता है। ये प्रोडक्ट मेरे लिए इसलिए एक्साइटिंग नहीं है क्योंकि इसमें थोड़ी स्पेक्स है, स्क्रीन इतनी हार्ड वाली है, ऐसा कुछ। ये इसलिए एक्साइटिंग है क्योंकि कोई भी और ऐसी कंपनी नहीं है जो अपना पूरा ध्यान एक टैबलेट के ऊपर लगा रही है कि कैसे हम इस टैबलेट को तगड़ा बना सकते हैं। और एप्पल का आईपैड प्रो जो है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो रहा है और धीरे धीरे ये लैपटॉप के पास आते जा रहा है। हल्का सा मस्कल दिखा के फ्लेक्स कर लैपटॉप की तरफ, बट असली सच आप लोगों को बता दिया जाए। मेरे को इस आईपैड को टेस्ट करते हुए अराउंड 2-3 दिन हो चुके हैं और अंदर घुस के मैंने काफी चीजें पबजी खेली है बहुत ज्यादा। एक बंदा तो मार दे, एक बंदा मार दे बस खुशी हो जाए थोड़ी। इसमें एप्पल की बनाई हुई काफी सारी बेस्ट
चीजें हैं, जैसे इसकी स्क्रीन है वो एप्पल का बेस्ट डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का एक 12 इंच का डिस्प्ले है, और ऑलमोस्ट मेरा जो 13 इंच वाला लैपटॉप है ना उसके बराबर की इसमें स्क्रीन है। इसमें अगर आप नोटिस कराओ तो कैमरा सिस्टम काफी आईफोन से जुलता मिलता है। बट इसके अंदर एक तीसरी आंख लग रखी है, उसका नाम दे रखा लाइडार। दोस्तों मैं हो गया था इंग्लिश में फेल, मेरे को ज्यादा आती नहीं फुल फॉर्म, मेरे को बस पता करना है कि करता क्या ये लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग करके। इसका मतलब ऐसे इस आंख जो देखता है कुछ कलर वलर नहीं देख पाता है, बड़ा ऐसा इसको पता चल जाता है कि कितनी दूर है बंदा, कितना पास है, डेप्थ पता करने के लिए, बट काफी ज्यादा एडवांस। ये वाली चीज ना एआर में बहुत ही तगड़ी काम करती है। एआर जिन लोगों को नहीं पता, हमने काफी सारी एप्स ट्राई करके, किधर है दिख नहीं रहा, इस तरफ जाना पड़ेगा लग रहा है। वो यहाँ पे है क्या? ओ, ओ, ओ ये देखो ये देखो ये देखो भूत मिल गया। ओ ये तो काफी लाइवली भूत है, उसमें रियल लाइफ और ऐसे एनिमेशन ये सब मिक्स हो जाते हैं और थोड़ा अलग से एक्सपीरियंस। ये वाली एप्पल की मेजर ऐप है, इसमें जैसे आप कर्सर देख सकते हो ना, ये जैसे जैसे मैं दीवार पे मूव कर रहा हूँ इसकी ना ये चीजें पता कर ले रहा है। मैं पूरा रेक्टेंगल सेलेक्ट कर सकता हूँ, इसमें ना इसने मेजरमेंट बता दिए हैं, ऐसे जो मैं ड्रॉइंग बना रही क्यों बता रहा है कितने सेंटीमीटर की ड्रॉइंग बनाई। अच्छी ड्रॉइंग नहीं बना पाता बट दिल से निकले तो क्या मजा है। दोस्तों चेकिंग के बिना क्या होता है, लाइडार हम चेक करेंगे, थोड़ी गेमें वेमें भी खेल ली जाए। ये एआर वाली एक गेम है, इसमें ड्रैगन समन कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है, मैं जितना भी हिला लूं ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा स्क्रीन से। और जैसे मैं इसको यहां से उठा के इस टूल पे भी रख दूंगा तो इस टूल पे भी बैठ जा रहा है, और इसे उठा के जमीन पर रखूं तब देखो अब ऐसा लग रहा है जमीन पे बैठ रहा है। गेम खेलेंगे इससे ज्यादा मजे ले रहा भाई। रियल लाइफ में कुछ भी नहीं है कहीं लग रहा हो, मतलब ये काफी प्रिसाइज एक्सपीरियंस आ रहा है आपको जो काफी तगड़ा है। बट किसने मांगा भाई, पता नहीं किसने बोला होगा कि हमको ऐसा लाइट वाला सेंसर चाहिए जिसमें से एआर ऐसे डबल क्वालिटी हो जाए। मतलब एक ऐसी चीज नहीं है जिसको आप देख के अपना डिसीजन चेंज कर लोगे भाई इसमें ये सेंसर है, ओ बाय बाय। मैं सेंसर को देख के ना काफी एक्साइटेड हो गए कि भाई इसमें तो ऐसे बैकग्राउंड ब्लर आएगा, मस्त कचरे के डब्बे ब्लर किए जाएंगे। बट पोर्ट्रेट मोड बैक वाले कैमरे में है ही नहीं, पोर्ट्रेट मोड क्लिक करोगे ऑटोमेटिक फ्रंट कैमरा हो जाता है। हम अपनी फोटो खींच लेते हैं, फोटो तो बढ़िया है, पीछे ना लाइट भी है, तब भी क्वालिटी काफी अच्छी है, वाइड भी इसने मेंटेन करें। कैमरा सही है इस प्राइस पॉइंट पर, आप यही एक्सपेक्ट करोगे। और फ्रंट कैमरे में ना जो फेस आईडी वाला फीचर है वो ऐसा पोर्ट्रेट में पकड़ो लैंडस्केप में पकड़ो आराम से चल जाता है। तो दोस्तों चल चरित्र बनाने का टाइम हो चुका है, काफी एक्चुअल डिजाइनर लोग इस पर ड्रॉइंग व्रॉइंग करने की कोशिश करते हैं। ये वाला वैसे मैंने नहीं बनाया बट स्टॉप मोशन बहुत ही सही लगता है। ये पूरा ना एक एक ड्राइंग को बना बना के बना, और ये किसी ने बनाई होगी भाई ड्रॉ करके। हम भी ट्राई करते हैं ड्राइंग करेंगे बढ़िया सी। वैसे तो कुछ खास मैं हूँ नहीं भाई ड्राइंग में, बट ट्राई तो थोड़ा सा करेंगे, देखते हैं भाई कैसा रहता है। इसमें एक चीज बहुत सही लगती है कि मतलब आप हाथ वाथ भी रख दो और तब भी ड्राइंग व्राइंग कर रहा तो काफी आराम से हो जाती है, उसमें ऐसे कुछ दिक्कत। दोस्तों बताइए हमारी कला कैसी लग रही है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखानी रह गई थी, ये देखे कर लीजिए, अडाप्टरों की कमी बिल्कुल नहीं है। इसमें यूएसबी सी वाला पोर्ट है तो आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, और जो नॉर्मल हार्ड ड्राइव होते हैं ना एसएसडी मेरे पास पड़ी हुई है, और उससे मैं डायरेक्टली फोटोज जो होती हैं वो एडिट कर सकता हूँ और वीडियोज भी एडिट कर सकता हूँ, और हम अपनी भी करने की कोशिश करते हैं फटाफट। भाई ये मैंने फोटो एडिट करी है, ये जो एस एस डी में यूज़ करता हूँ उससे मैंने ले रखी है, और काफ़ी अच्छी एडिट हुई है भाई। ये सेम चीज़ मैंने ये साकिब की फ़ोटो के साथ भी करी थी और देवेंद्र की फ़ोटो के साथ भी करी। छोटी सी वीडियो है जो एप्पल का अपना सॉफ्टवेयर है उससे मैंने ट्राई कर दी, और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर चलते नहीं बट एप्पल वाला ठीक ठाक चल जाता है। एप्पल एक्चुअली काफी स्टेप्स ले रहा है कि कैसे ये आईपैड ना उस कंप्यूटर को रिप्लेस कर दे। प्राइस में तो उन्होंने कर दिया ये बट काफी सारे फीचर्स में भी कर रहा है, जैसे
इसमें अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसे बायोनिक कुछ ऐसे नाम दे रखा है, ऐसे बड़े बड़े कंफ्यूजिंग नाम दो सामने वालों को समझ ही ना आए, मतलब बहुत तगड़ी चीज है बट है भी काफी ज्यादा जो लैपटॉप्स अवेलेबल है मार्केट में उससे ज्यादा पावरफुल है इसका प्रोसेसर। एक्चुअली काफी मैकबुक से भी फास्ट है इसका प्रोसेसर। मैकबुक एयर जो थी पिछले साल वाली उससे तो डेफिनेटली फास्ट है, इस साल वाली से मैंने नेक टू नेक ऐसे कंपेयर नहीं करा बट काफी हद तक कंपेरेबल प्रोसेसर है इस आईपैड के अंदर, जिसकी वजह से आप काफी सारी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन जो आप लैपटॉप पे चलाते हैं वो चला सकते हैं, फोटोशॉप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं आप एप्पल के जो आई मूवी है उसके ऊपर, और उसके बाद गेमिंग भी चेकिंग कर लीजिए दोस्तों, पबजी तो खेलेंगे तभी तो असली मजा आएगा। गेमिंग इसमें दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बट हम कोशिश पूरी करेंगे। मेरे पास इससे पहले भी एक आईपैड था, उसका इस्तेमाल बस मैं गेम खेलने के लिए करता था। अभी हम इसको एक सेटिंग करके एक्सट्रीम इस पे, हाँ बैलेंस पे एक्सट्रीम कर देते हैं। ओहो मार पिटाई हो गई भाई, अब तो हारा जा रहा है, एक बंदा तो ये लैग कर गया भाई, मेरी गलती नहीं है भाई। ठीक खेल रहे हैं भाई, टीम अपने आप जीत जाएगी, वैसे 22-13 पे कर दिए। एक चीज मैंने इसमें अभी नोटिस करी, कुछ ऐप्स हैं जो नहीं चलती भाई लैंडस्केप मोड में, जैसे Z5 वाली ऐप है, चिंटू का बर्थडे देखेंगे हमको, हमने सुना है काफी तगड़ी मूवी है, तन्मय भैया जी ने बनाई है बढ़िया से, बट ये Z5 वाली ऐप चल ही नहीं रही भाई लैंडस्केप में, इसको ऐसा मूवी ऐसा दिक्कत हो रही है। तो कुछ ऐप्स हैं जो ऑप्टिमाइज नहीं है, बट एप्पल की जितनी सारी ऐप्स हैं उनमें काफी हद तक काफी एक ऑप्टिमाइज तगड़ा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है आपको, और ये मेरे ख्याल से धीरे धीरे होगा बट अभी एकदम 100% पॉलिश्ड एक्सपीरियंस नहीं है इसको एज अ लैपटॉप अगर आपको यूज करना है। तो मैं इस आईपैड को काफी ज्यादा यूज करूंगा बट एक एंटरटेनमेंट डिवाइस की तरह, नॉट एज अ कंप्यूटर, और एक प्रोडक्टिविटी वाली डिवाइस की तरह जिसको कैरी करना और यूज करना आसान है। ऐसे ही अच्छा लग रहा है, पतला पतला हल्का हल्का। एक चीज और, ये इस आईपैड के इंडिया में मेरे ख्याल से पहला रिव्यू है, तो देखो भाई अपना ऐसे आलस छोड़ के जल्दी जल्दी बना रहे, अब भी थोड़ी मेहनत करो, ऐसा इंस्टाग्राम पे मस्त फॉलो करो, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लो, थोड़ी मेहनत आप भी कर लो दोस्तों और अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को, और हम नेक्स्ट वीडियो